आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चाद्देशतारिणे वंशाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुमये च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नंदनाय च नंद गोपर कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृता तृप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम कुमार्थ महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम् तत्रादरो न परम् मूकं करोति वाचालम् अंगूलं घ्रियते गिरिम् यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 16वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार किया गया है। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार ने अदिति ने अपने पति कश्यप के कहने पर पयोवत व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर पयोव्रत पूजा विधि का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उनसे आशीर्वाद मांगने का भगवान ने उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। हालांकि भगवान कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने किस लिए किया है, लेकिन तुमने जो अपने पुत्रों के लिए किया है उसमें तुम ये स्मरण रखो कि मैं ब्राह्मणों के द्वारा रक्षित असुर जो लोग हैं, हालांकि असुर को मैं मारता हूं, लेकिन वो अभी असुर ब्राह्मणों के द्वारा रक्षित, ब्राह्मण और वैष्णव के द्वारा रक्षित है। उसे मैं, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा रक्षित है, मैं उनको मार नहीं सकता। भगवान ने भी बोला, भगवान ने कहा कोई मैं ऐसा साधन निकालता हूं जिसके द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो कि आपके पुत्र फिर से राज्य कर पाए। मैं तुम्हारी दीर्घकालीन अभिलाषा को पहले ही समझ गया हूं। मैं समझ रहा हूं कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित कर अपना धाम तथा ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करने करके उन सबके साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम अपने पुत्रों के शत्रु उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते देखना चाहती हो। भगवान ने क्लियरली बोल दिया कि तुम क्या चाहती हो कि असुर लोग पराजित हो, मारे जाएं युद्ध में और उनकी पत्नियां विलाप करती रहे। भगवान यहाँ पे अदिति से बोल रहे हैं, ये क्लियरली बोल रहे हैं कि हर कोई चाहता है कि उसका स्वार्थ सिद्ध हो और वो दूसरे की कीमत पर इस संसार में, क्योंकि उसके बिना काम चल नहीं सकता है संसार। हर जीव दूसरे जीव का खाद्य पदार्थ, यही स्वार्थ है कि एक जीव दूसरे जीव को खाए बिना, उसको नुकसान पहुंचे बिना वो सुख नहीं पा सकता। केवल भगवान की सेवा ही की जा सकती है जिसमें किसी को हार्म नहीं हो, उसके अलावा हर कोई एक दूसरे को हार्म कर रहा है। केवल मात्र भगवान की सेवा में अगर सारे लोग लग रहे हैं तो उसमें कोई किसी का हम देगा, क्योंकि एक व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को सेवा में लगा रहा। लेकिन वैसे व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, अगर वो भगवान की सेवा से संबंधित नहीं है तो वो कार्य जो है दूसरे की कीमत पर। अगर कोई किसी को सुख पहुंचाना चाहते हैं तो दूसरे दूसरे के धन से या दूसरे उससे पहुंचाएगा। केवल मात्र भगवान की सेवा में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेवा दे सकता है, वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं, क्योंकि सारे लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जैसे राधा रानी अपनी सखियों को सेवा देती, सखियां उनकी मंजरी को सेवा देती, तो ऐसा नहीं बोल सकती सखियां मंजरिया के आप हमसे सेवा ले रहे हो, ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि वो हायरार्की में सब सेवा ले रहे हैं। जैसे मंदिर का प्रेसिडेंट होता है, अगर वो 10 लोगों को काम में लगाकर, ये नहीं बोल सकता कि प्रेसिडेंट हमसे काम करवा रहा है, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट मंदिर में भगवान की सेवा करवा रहा है, तो उसने सबको बांटा, वो उसके फिर उसने उसको बांटा, उसने उसको बांटा, ये एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन इस भौतिक जगत में इसके अलावा, भगवान की सेवा के अलावा जो भी है सब एक्सप्लॉयटेशन। सोचो तुम अपने पुत्रों के उन शत्रु उन असुर की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करना देखना चाहती हूँ। भगवान आशीर्वाद देने आया, लेकिन ये एकदम
फ्रंट पे मुंह पे बोल रहे हैं सब कि तुम चाहती है, तुमने सोचा कि तुम्हारे पुत्रों को राज मिले, तो तुम्हारे पुत्रों को राज के लिए तुम सोच रही हो कि असुरों को मारा जाए, भगाया जाए सब से, और तुम्हारे पुत्रों को राज मिले। तुम उनके अब उनकी पत्नियों को विलाप करते देखना चाहती हो, उन असुरों की, चाहे असुर भी हैं, उन पत्नियों को विलाप करने देखना चाहती मृत्यु पर, जब इंद्रादि देवता द्वारा युद्ध में मारे जाए। तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र खोया हुआ ऐश्वरी तथा ऐश्वरी फिर से प्राप्त करे और पुनः पूर्वत अपने स्वर्गलोक में आए, तुम यह चाहती हो। भगवान ने बोल दिया साफ साफ। हम बोलते हैं कि अरे भगवान तो आशीर्वाद देने आए, आशीर्वाद दे और चले जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा कर दें। आशीर्वाद देंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे, आशीर्वाद भी देंगे, दोनों चीज नेगेटिव ही बोल रहे हैं सामने सामने। तुमने इसलिए बुलाया मुझे, हे देवताओं की माता, मेरे विचार से, अभी भगवान के लिए अपना भी रिप्लाई दे रहे हैं, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजय हैं, अब उनको कोई जीत नहीं सकता। भगवान बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि वे ब्राह्मणों और वैष्णवों द्वारा सुरक्षित, जिन पर भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है, अतएव उनके विरुद्ध बल प्रयोग अब सुख का ध्येय नहीं बन सकता, मतलब मैं नहीं करूंगा उनके विरुद्ध बल, उनको इस तरीके से नहीं हटाऊंगा मैं असुरों, चाहे तुम देवताओं की माता है। तो तात्पर्य प्रभुपाल की, जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मणों तथा वैष्णव की कृपा होती है तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता। यहां तक कि यदि कोई किसी ब्राह्मण वैष्णव द्वारा सुरक्षित है तो भगवान भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, ये भगवान का वचन है। कहा गया गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। भगवान सर्वप्रथम गायों तथा ब्राह्मणों को सारे वरदान देने के लिए उन्मुख रहते हैं। उन्मुख मतलब एकदम रेडी रहना, उन्मुख उदर मुख, उनका हमेशा रेडी रहते हैं, उनके लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अतः यदि किसी पर ब्राह्मण और वैष्णव अनुकूल होते हैं तो न तो भगवान किसी तरह का हस्तक्षेप करते हैं, न कोई अन्य व्यक्ति ऐसे पुरुष के सुख में बाधक बन सकते। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, तुमने मेरे अगले में कहते हैं कि चूंकि तुम्हारे व्रत कार्य से मैं प्रसन्न हुआ, अतः तुम पर कृपा करने के लिए कोई ना कोई दूसरा साधन खोजूंगा, लेकिन जो तुम सोच रहे हो साधन नहीं खोजू, वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि असुर ने कृपा अपने गुरु शुक्राचार्य को खुश कर लिया था। गुरु तो गुरु ही है, वो चाहे बृहस्पति शुक्राचार्य शुक्राचार्य उतना हाई लेवल का नहीं, लेकिन उन्होंने खुश किया, ब्राह्मण थे, भृगुवंशी थे, और भगवान तो ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। भगवान ने समय जैसे ही ब्राह्मण और गोन का नाम सुनते हैं भगवान पीछे हट जाते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि तुमने मेरे लिए व्रत कार्य किया, मैं तुमको आशीर्वाद देने आया हूं, तो मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो तुम पर कृपा करने के लिए मैं कोई ना कोई साधन खोजना होगा, परंतु और पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती। पूजा जो है पात्रता के अनुरूप, वो पात्र है नहीं लेने का असुर, भगवान किसी को ऐसा कोई भी अवसर दे कि मैं भगवान से कुछ ही मांग के कुछ भी असुरों का काम कर लो, भगवान असुरों को आशीर्वाद नहीं देते, इंटरफेयर नहीं कर रहे जो उनको सीखना है, लेकिन आशीर्वाद भी नहीं देते असुर कि तुम और असुरता करो, नहीं, भगवान ऐसी कोई भौतिक सहायता नहीं करते किसी भी असुर की, किसी भी असुर की कोई भौतिक सहायता नहीं करते। हाँ, भगवान उसका उद्धार कर सकते हैं, मार के उसका उद्धार कर सकते हैं, उसको उद्धार नॉर्मल उद्धार कर सकते हैं, शिशुपाल देख लो, दंत बकर देख लो, रावण देख लो, हिरण्यकश्यप देख लो, हिरणाक्ष देख लो, कंस देख लो, जरासंध देख लो, किसी के ऊपर भौतिक कृपा नहीं की भगवान, सबके ऊपर आध्यात्मिक कृपा। भगवान भौतिक कृपा किसी भी इवन भक्त के ऊपर भी भौतिक कृपा नहीं करते, भक्त को अगर कुछ उसकी आवश्यकता पूरी करते हैं तो उसकी आवश्यकता पूरी करते हैं, और उसकी ऐसी इच्छा जिससे भक्ति में विचलित। अगर किसी को अपना वो करना है तो देवताओं के पास जाए, भगवान भौतिक इच्छा पूरी करते हैं, प्रोवाइडेड वो उसके लिए उपयुक्त पात्र हो। अब वो असुर मांगे कि मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए, बहुत सारा धन आ जाए मेरे पास, मैं तपस्या करता हूँ, भगवान बोलेंगे तो असुर इसके पास धन आ जाएगा तो सारा नष्ट कर देगा और ज्यादा नीचे गिर जाएगा। भगवान ने अभी हमने समुद्र मंथन पढ़ा, समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों का युद्ध किसके लिए हुआ, भगवान ने बोला था देवताओं से कि तुम जाके संधि कर लो और अमृत प्राप्त कर लो, अमृत प्राप्त कर लिया, देवताओं ने जाके हारे हुए थे संधि कर लिया, असुर जीते हुए थे, दोनों ने मिलकर अमृत निकाला। अब भगवान जब अमृत निकल गया धन्वंतरी लेकर, अब जब
धनवंतरी से असुरों ने अमृत छीन लिया। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने ही दोनों को लगाया था, तो भगवान को तो निष्पक्ष होना चाहिए, दोनों को बराबर, दोनों ने मेहनत की। मेहनत लोग बोलते ना, हमने भी मेहनत की, बहुत मेहनत की हमने अपने जीवन में, बहुत मेहनत की। भगवान कुछ नहीं देते, असुरों ने मेहनत की, देवताओं ने मेहनत की। भगवान ने मोहिनी मूर्ति धारण करके चालाकी से असुरों के हाथ से अमृत का कुंड ले लिया और बोला कि देव असुरों को बिठाया, तुम बैठो, अभी तुम बैठो, मैं पहले देवताओं को पिला लेता, तुम तो बहुत महान हो, देवता लोग थोड़ा जल्दी करते, भगवान ने बोला ये। और देवताओं को पूरा पिला दिया, अमृत खत्म कर दिया, इतने में असुरों को पता लगा, तब तक तो भगवान अदृश्य हो गए, मोहिनी मूर्ति रूप से अदृश्य। भगवान ने मोहिनी मूर्ति रूप क्यों लिया, क्योंकि असुर लोग आकर्षित हो जाते हैं, असुरों को आकर्षित करने, असुरों की बात मान। तो भगवान भी चालाकी करते हैं, लेकिन भगवान की चालाकी वास्तव में भौतिक चालाकी नहीं, भगवान सबके उद्धार के लिए करते हैं। भगवान ने क्यों किया कि असुर अगर अमृत पी लेंगे, दोनों ने मेहनत किया है अमृत पाने के लिए, दोनों ने रस्सी दोनों तरफ वासी की किया, कितना मेहनत किया, लेकिन असुरों को अमृत नहीं मिला। और भगवान ने ऐसा स्पष्ट अपने हाथों से ऐसा किया, खुद किया, इसमें रोल खुद रोल परफॉर्म किया। क्यों किया, असुरों को अमृत नहीं मिला, एक बूंद भी नहीं मिला, वो राहु के राहु गलती से चले गए थे, वहां उसका भी सिर काट दिया था, उसने एक बूंद अमृत पी लिया। तो क्यों किया ऐसा, क्योंकि असुर के हाथ में अगर अमृत आ जाएगा तो, और अगर वो अमर हो गए तो वो संसार में उत्पात करेंगे। ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली भगवान की पूजा, पात्रता के अनुरूप होती। ध्रुव महाराज पात्र थे तो उनको पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड का राज दे दिया और ध्रुव लोग भी बना दिया, वो भी भौतिक इच्छा थी, लेकिन क्या किया, पात्र थे, क्या है उनके लिए, उनको क्यों किया, पात्र थे। पलान महाराज को पूरे उनके पिता हिरण्यकश्यप के बाद क्यों राज्य दिया, पात्र थे। तो भौतिक इच्छा भी पूरी करते हैं लेकिन पात्रता को देंगे, तो भगवान का न्याय पूरा। बाकी ऐसा नहीं कि असुरों को वंचित कर दिया, असुरों का उद्धार करेंगे लेकिन उनको उनके ऊपर आध्यात्मिक कृपा करेंगे, भक्त के ऊपर तो भगवान की ऑलरेडी आध्यात्मिक कृपा है, तो भगवान को उसको भौतिक सुख देने में कोई समस्या नहीं है, पात्र है, उसको पाने का है, उसका हकदार है। तो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैंने भी बहुत मेहनत की है, कई बार बोलते अरे लोग उसने बहुत मेहनत की, उसने इतनी मेहनत की, उसके जीवन में भगवान ने कुछ नहीं दिया, इतनी मेहनत की, उसकी सारी मेहनत असुरों की मेहनत, श्रम एव ही केवलम, केवल मात्र अपने मी एंड माइंड के लिए, सुख के लिए, मुझे कैसे सुख मिले, उसी के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है, धोखाधड़ी करता है, कहता है मैं और आई एंड माइंड, भागवत में शब्द बार बार आता, आई एंड माइंड, आई एंड माइंड, आई एंड माइंड, सुख के हकदार केवल, और उनको कभी सुख मिलता नहीं। आई एंड वालों को धन चाहे मिल जाए कहीं से, इधर उधर से लूटपाट के और ये कहीं से करके चोरी करके धन मिल जाए, सब कुछ जाए, लेकिन सुख नहीं मिलता। भगवान आई एंड माइंड से क्यों नाराज होते हैं, आई एंड माइंड से बोलते मेरे लिए तो सारे लोग, तुम आई एंड माइंड करते हो, तुम स्वार्थी हो, तुम मेरे काम में हाथ नहीं बटा रहे, तुम आई एंड माइंड, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, उसी कुछ तुमको कभी सुख मिलेगा ही, धन हो सकता है मिल जाए, धन मिलना कोई सुख मिलने की गारंटी नहीं है, धन मिलना कभी भी सुख मिलने की गारंटी नहीं है। तो पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है और महान पर्वत रख के मेरी समुचित पूजा की है, मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा। यहाँ पे भी उसको उसको बोल रहे हैं कि तुमने अच्छा कार्य किया, गलत कार्य किया तुमको दूंगा, लेकिन मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा। तो भगवान अब अलग तरीके से राज्य दिलवाएंगे, मार काट के नहीं दिलाएंगे, असुरों को मारना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो शुक्राचार्य अब उनके ब्राह्मणों के ऊपर कृपा है, मारेंगे नहीं अभी भगवान। जब कृपा खत्म हो जाएगी तो भगवान मार दे, जिसके ऊपर भी गुरु की कृपा, ब्राह्मण कृपा, वैष्णव कृपा हो जाती है उसको भगवान, उसको फिर भगवान की माया तुरंत कष्ट देना चालू कर देती है भगवान की तरफ से, परमेश्वर के, अभी किसी के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं। तो व्यक्ति को हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा रक्षित होना चाहिए, हमेशा कोई ना कोई
आशीर्वाद, जो आशीर्वाद देने की स्थिति में, संसार में किसी को भी धन बांट दो, कोई भी भिखारी भी आशीर्वाद दे देगा, ये लो धन, चलो 100 रुपये ले लेगा, अरे तुम्हारे बच्चे बहुत फले फूले सब करे ये करे, 5 मिनट तक भिखारी आशीर्वाद देता रहता है। अगर ऐसा उसको अचानक किसी चीज मिले, वो खुद भिखारी क्यों है? अगर वो आशीर्वाद देने की कंडीशन में होता तो स्वयं भिखारी क्यों है, स्वयं इस अवस्था में क्यों है? अगर वो आशीर्वाद देने की स्थिति में होता, ऐसा नहीं कि गरीब आशीर्वाद नहीं ले सकते, लेकिन गरीब अलग है और एक एक जो भगवान की कृपा रहित व्यक्ति अलग है, दोनों में अंतर। निर्धन का भी भगवान बोले धन में हूं, लेकिन जो है उसका जीवन ऐसा रहना चाहिए, पाप रहित जीवन हो, तब जाके वो कर सकता है कुछ। तो मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा, इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्र की रक्षा करूंगा। ये मेन था पॉइंट। इसके बाद में आगे भगवान इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से हमने अध्याय पूर्ण किया था। इसके बाद हमने अगला अध्याय शुरू किया था, जिसमें वामन देव का अवतार का वर्णन सुना था। भगवान भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान ब्रह्मांड में प्रकट हुए। शंख ढोल मृदंग पाणा व आनंद बजने लगे। क्यों करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे हम क्या करते हैं, किसी बच्चे का बर्थडे हो, किसी के बच्चे का जन्म हुआ हो, किसी का विवाह हुआ, बहुत ढोल नगाड़े ये वो सारे उत्सव मनाते हैं, सारे उत्सव मना लेते हैं, लेकिन भगवान के उत्सव में कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी कर देते हैं, जो रिचुअल होते हैं वो कर देते हैं, भगवान को थोड़ा ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, लेकिन हमारा कुछ अपना होता है तो हम कितने प्रसन्न होते हैं, हृदय से प्रसन्न होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अत्यधिक हर्षित होने के कारण अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। वो स्वर्गलोक के निवासी, तो उनको वास्तविक प्रसन्नता होती है। एक होता है वास्तविक प्रसन्नता और एक होता है कि जैसे किसी का बर्थडे हुआ या किसी का हुआ, फ्रेंड का, रिलेटिव के कुछ का, तो उसका हम गिफ्ट दे देते हैं। चलो ऐसा नहीं कि हम गिफ्ट दे रहे थे हम प्रसन्न है, नहीं ऐसा नहीं, जरूरी नहीं, क्योंकि भौतिक जगत में तो उसने भी हमको गिफ्ट दिया तो हमें गिफ्ट देंगे, इसके कारण हम दे रहे हैं, यह एक कर्तव्य है, इसके कारण प्रसन्नता के कारण दे रहे हैं। यहाँ पे अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। ब्रह्मा जी भी स्तुति करने लगे। हमारे ब्रह्मांड में आए, मतलब हमारे घर में आए। अब घर में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई जैसे संत महात्मा बहुत बड़ा है, तो रियल प्रसन्नता जो होती है, तो भगवान का कार्य रियल प्रसन्नता के साथ में होना चाहिए, वास्तविक प्रसन्नता के साथ में। यहां पे एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट देने के, भगवान को भी हम गिफ्ट देते हैं, चढ़ावा भी चढ़ा देते हैं, उनके लिए ड्रेस भी बनवा देते हैं, उनको हार फूल भी कर देते हैं, उनके लिए मिठाई भी चढ़ा देते हैं, उनके लिए कुछ और भी चढ़ा देते हैं। क्या हर बार ये प्रसन्नता के कारण होता है? रेयरली प्रसन्नता के, या तो एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी रहेगा, या भगवान हमें दे रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन रियल प्रसन्नता का, भगवान का जन्म हो रहा है। हम क्या करते हैं, मनी खर्च करके कुछ कर देते हैं। मनी तो है एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन मनी सेकेंडरी चीज है। अरे भगवान ने हमें इतना दिया, हम भी कुछ भगवान के ऊपर, प्रभु आपके ऊपर भी कुछ खर्च कर दिया, आप क्या याद करेंगे कि आपके ऊपर भी कुछ खर्च कर दिया। तो लोग ज्यादा ये हाईएस्ट लेवल का कर रहे हैं, भगवान ने दिया उसमें से हमने आपके ऊपर खर्च कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, भगवान का जन्मदिन, वास्तविक प्रसन्नता हो रही है। ब्रह्मा जी को कोर्स हम देख रहे हैं कि सब लोग उनका स्तुति कर रहे हैं, सब जय जय का घोष, वास्तविक प्रसन्नता के कारण नाच रहे हैं, रियल। ऐसा हमारे हृदय में आ नहीं सकता रे। हाँ, लेकिन हमारा कोई
हमारे यहाँ कोई जन्म हो या हमारे यहाँ किसी का विवाह हो या, तो उसमें हमें वास्तविक प्रसन्नता होती है, वास्तविक प्रसन्नता। जन्म हो या वो वास्तविक प्रसन्नता हमारे लिए। तो जब अदिति ने कहा भगवान ने उनके ही गर्भ से प्रकट हुए थे और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से देवी धारण किया है, तो भी आश्चर्यचकित हो उठी और कि मेरे शरीर से आध्यात्मिक शरीर निकला, वास्तव में भगवान उससे प्रकट ही नहीं होते, ऐसा लगता है कि उससे प्रकट हुए थे। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख है आश्चर्य वशीभूत होकर जय 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 का घोष करने लगे। आज 12वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। यत्यत्वपुभान्ति विभूषणायुधे अव्यक्तचित् व्यक्तम् अधारयत् हरि बभूवतेने सवामनवटु संपश्यतु दिव्य गति यथा नटः। भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध लेकर ऐसा प्रकट हुए। ऐसा किसी का जन्म तो नहीं हो सकता गर्भ से, हाथ में शस्त्र लिए हुए थे। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, भौतिक जगत में ऐसा रूप दिखता नहीं, तो भी इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात माता के पिता की उपस्थिति में उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस प्रकार कोई नट कर लेता है। यहाँ पर नट शब्द महत्वपूर्ण है। अब एक नट मतलब अभिनेता, एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी भिन्न भिन्न अभिनय करके वेश बदलता रहता है, इसी प्रकार भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान है अद्वैतम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम। वे अपने असंख्य अवतारों समेत विद्यमान रहते हैं। रामादि मूर्ति शिव कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम करोद भुवनेश किंतु गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। यद्यपि वे विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न हैं। वे वही व्यक्ति रहते हैं, उसी शक्ति उसी नेता उसी अस्तित्व दिव्य अस्तित्व के साथ, किंतु वे एक साथ विभिन्न रूप धारण करते हैं। तो जब भगवान वामदेव के रूप में प्रसन्न, जो भक्त थे उनको प्रसन्नता हुई, जो शुद्ध भक्त थे उनको प्रसन्नता हुई, जो उतने महान भक्ति नहीं थे वो न्यूट्रल रहे, जो असुर थे उनको अच्छा नहीं लगा। तो वास्तव में अगर हमें पता करना है हमारी आसक्ति किससे है, तो जिसके जिससे हमारी आसक्ति, अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है हम प्रसन्न होते हैं, तो ये हमारी आसक्ति। जिससे हमारी आसक्ति, अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है या उसको कुछ सुख मिलता है, तो ये हमारी आसक्ति। भौतिक चीजों की बात की जाए और कुछ न्यूट्रल रहते हैं, इसका मतलब ओके, सो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और दुखी होते हैं तो इसका मतलब हमारी देश। क्योंकि अगर हम तन से नहीं चाहे, धन से नहीं चाहे, लेकिन अगर मन से भी प्रसन्नता होती तो वो हमारी आसक्ति। तो वो आसक्ति किसके लिए होनी चाहिए? भगवान से संबंधित कार्यों में वो प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे मंदिर में कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, कोई मंदिर में कोई उत्सव आता है, तो सारे मंदिर के लोग प्रसन्न होते हैं, अरे भगवान का भी उत्सव आ रहा है, भगवान का उत्सव आ रहा है, ये करना है वो करना है, रथ यात्रा आ रही आ रहा है वो आ रहा है वो आ रहा है। उनको प्रसन्नता किसमें होती है? भगवान से संबंधित कार्य। इसका मतलब उनकी आसक्ति किसमें है? भगवान। उनकी आसक्ति किसमें है? भगवान।
जब वामन देव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो नारायण के रूप में थे, जिनके चारों हाथों में आवश्यक प्रतीकात्मक आयु थे, किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी के रूप में बदल दिया। इसका अर्थ है कि उनका शरीर भौतिक नहीं। जो यह सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं, बुद्धिमान है। जो सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं वह बुद्धिमान नहीं, उसे भगवान के रूप में के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता नहीं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवती तत्वतः, भगवान द्वारा दिव्य आदि दिव्य शरीर में दिव्य अवतार लेने के विषय में समझने की आवश्यकता। तम बटुम मामनम दृष्टा मोदे माना महर्षय। कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो निश्चय परम प्रसन्न हुआ। जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। अतः प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान जैसे जन्म संस्कार संपन्न। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता के अनुसार जब किसी ब्राह्मण परिवार में कोई संतान उत्पन्न होती है तो सर्वप्रथम जात कर्म किया जाता है, अर्थात जन्म संस्कार संपन्न किया जाता है, उसके बाद अनुष्ठान भी क्रमशः संपन्न करते जाते हैं। किंतु ब्रह्मचारी के रूप में यह वामन रूप प्रकट हुआ तो उसका उपवित संस्कार भी तुरंत, उसका उपनयन संस्कार भी तुरंत कर दिया गया, क्योंकि वामन रूप में प्रकट हुआ। तस्य उपनीय मानस्य सावित्रीं सविता बृहस्पति ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यप ददात्। वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव ने स्वयं गायत्री मंत्र का जप कराया। बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया और कश्यप मुनि ने मूंछ की मेखला दी। ततो कृष्ण अजिनम भूमि दंडम सोम वनस्पति कोपिनाच्छादनम माता द्योछत्रम जगतपते। माता पृथ्वी ने उन्हें मृग चरण प्रदान किया तथा वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड ब्रह्मचारी का डंडा प्रदान किया। उनकी माता अदिति ने उन्हें कोपिन के लिए वस्त्र तथा स्वर्गलोक के लिए अधिनष्ठाता देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया।
तमंडलुम वेद गर्भ कुशान सप्तऋषयो ददु अक्षमाला महाराजा सरस्वती अभि आत्मना। हे राजन, ब्रह्मा जी ने अभी भगवान को कमंडल प्रदान किया, सप्त ऋषियों ने कुशा और माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की सामने भेंट किया भगवान को। तस्मै इति उपनीताय यक्ष राट पत्रिका तस्मै इति उपनीताय यक्ष राट पत्रिका मदात भिक्षां भगवती साक्षात उमा अदात अंबिका सती। इस प्रकार से वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका है। यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र शिव पत्नी ब्रह्मांड की परम साध्वी माता भगवती ने उन्हें पहली भिक्षा। स ब्रह्म वर्चसेनेवं सभाम संभावित वटु ब्रह्म ऋषि गण संजष्टाम अति अरोचत मारिष। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया। इस तरह महान संत ब्राह्मण की इस पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते थे। वामन देव की सुंदर समिद्धमाहितं वयं कृत्वा परिसमूहनं परिस्तीर्य संभर्यर्च समिद्री अजुहोत द्विज। तत्पश्चात श्री वामन देव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। श्रुताश्वमेधे यजमानमूर्जितं बलिं रघूणामुपकल्पिते ततः जगाम तत्र अखिल सारसंभ्रत भारेण गां समन्वयं पते पते। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, भगवान ने सुना तो सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान वामन देव जो थे बलि महाराज पर कृपा दिखाने के लिए वहां चल पड़े। अभी देखिए, असुरों को मार नहीं रहे, असुर के ऊपर कृपा दिखाएंगे, ले भी लेंगे, देवताओं को राज्य भी दिला देंगे, लेकिन असुरों पर भी कृपा करेंगे। बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां से चल पड़े। एक एक डग भरने पर उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। अखिल भगवान अखिल सार संप्रत है, अर्थात इस जगत में जो भी आवश्यक वस्तु है उसके सामने। इस तरह यद्यपि भी वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे, किंतु वे सदैव परिपूर्ण हैं और उन्हें किसी से भी कुछ नहीं मांगना होता। दरअसल वे इतने शक्तिमान है कि अपने तेज के कारण उन्हें प्रत्येक डग से पृथ्वी की सतह को दबा रहे। तम नर्मदाया तटे उत्तरे बले ये ऋत विजते भृगु कच्छ संज्ञके
भृगवकृतुत्तमं व्यचक्षुतारातुदितं यथारम्। नर्मदा नदी के तट उत्तरी तट पर भृगु कक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहित ने वामन देव को ऐसा देखा मानो पास में ही सूर्य उदय हो रहा। नर्मदा नदी के तट पर भृगु कक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव को ऐसा देखा मानो पास में ही सूर्य उदय हो रहा। यज्ञ कर रहे थे, असुर लोग भी यज्ञ कर रहे थे। वामन देव पहुंच गए तो वामन देव को देख के लगा कि सूर्य उदय हो गया है। तेरे त्विजाय जमान सदस्य पिश वामन तेजसा नृप सूर्य किलाया उत्वा विभावसु सनत कुमारो अथ दिदक्षया कृत। हे राजन, वामन देव की उदीयमान तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्यों सहित सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। वामन देव का तेज इतना मान वे परस्पर पूछने लगे, कहीं साक्षात सूर्य देव अथवा सनत कुमार या अग्नि देव तो यज्ञ उत्सव को देखने नहीं आ गए? इत्थम सशिशेष्यो भृगुषु वनेकधा वितक कार्यमाणो भगवानस्य मामन छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम विवेश विभ्रद्य मेधवाटम। जग भृगुवंशी पुरोहित तथा अनेक शिष्य अनेक उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे। उसी समय भगवान वामन देव हाथों में दंड छाता तथा जल से भरा कमंडल लिए यज्ञ अश्वमेध यज्ञ शाला में प्रविष्ट। मुंज्या मेखलया वीतम उपवित अजिन उत्तरम जटिलम वामनम विप्रम माया माणक मम हरि। प्रविष्टम वीक्ष्य भृगवः स शिष्यास्ते स अग्निभिः प्रत्यग्रहं समुत्थाय संक्षिप्ता तस्य तेजसा। भगवान वामदेव मूंज की मेखला जनेऊ मृग चर्म का उत्तरी वस्त्र तथा जटाजूट धारण किए ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला में प्रविष्ट। उनके तेज से सारे पुरोहित एवं उनके शिष्यों का तेज घट गया। वे अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और प्रणाम करते हुए सबों ने समुचित रीति से उसका स्वागत उन वामन देव जी का स्वागत किया। ब्रह्मचारी थे, बहुत तेज के साथ थे, किसी को पता नहीं था भगवान है लेकिन बहुत तेज था। उनके तेज से सारे पुरोहित एवं शिष्यों का तेज घट गया। यजमान प्रमोदित यजमान प्रमोदित दर्शनीय मनोरमम रूपान रूप अभियम तस्मे आसनम आहरत। भगवान वामन देव को देखकर अति प्रफुल्लित बलि महाराज के परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने लगे। बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनके शरीर की सुंदरता को समान रूप से योगदान दे। स्वागतेन अभिनद्यात पादो भगवत बलि अवनिज्य अर्चयामास मुक्त संग मनोरम। इस प्रकार मुक्तात्मा को सदैव सुंदर लगने वाले भगवान का समुचित स्वागत करते बलि महाराज ने उनके चरण कमल पखार कर उनकी पूजा की। तत्पाद शोचम जनकल्मष अपहम
सदाता यत देवा देवा गिरिशा चंद्रमौली तदार मोदना पर्याच भक्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह धारण करने वाले शिव जी विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल को अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह धारण करने वाले शिव जी विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल को अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते। धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले होने के कारण बलि महाराज को ज्ञात था, फलस्वरूप शिव जी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रख लिया। धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले होने के कारण बलि महाराज को ज्ञात था, फलस्वरूप शिव जी का अनुसरण करने पर भी उन्होंने भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रखा। तात्पर्य शिव जी गंगाधर कहलाते हैं, अर्थात जो अपने सिर पर गंगा जल धारण करते हैं। शिव जी के ललाट पर अर्धचंद्र का प्रतीक चिन्ह लगा रहता है, फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम आदर प्रदान करने के लिए शिव जी ने उस चिन्ह के ऊपर गंगा जल धारण कर दिया। इस उदाहरण का पालन हर एक को अथवा कम से कम हर भक्त को करना चाहिए, क्योंकि शिव जी महाजनों में से एक हैं। इसी प्रकार बलि महाराज के भी बाद में महाजन बन गए। एक महाजन दूसरे महाजन का अनुसरण करता है और महाजन परंपरा का अनुगमन करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में प्रगति कर सकता है। गंगा जल पवित्र होता है क्योंकि भगवान विष्णु के चरण के अंगूठे से निकलता है। बलि महाराज ने वामन देव के चरण कमलों को प्रक्षालित किया और जिस जल से उन्होंने प्रक्षालन किया वह गंगा जल के तुल्य बना। अतः समस्त धर्मों के ज्ञाता बलि महाराज ने शिव जी का अनुसरण करते हुए इस जल को अपने सिर पर लगा लिया। तो बलि महाराज ने उनके चरणों को धोया और जल अपने ऊपर डाल दिया, ये गंगा जल हो गया। श्रीबलिर्वाच स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्म ऋषीणां तपःसाक्षात् मन्ये त्वा आर्य वपुधरम। तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
आपको सादर नमस्कार करता हूँ, कृपया बतलाएं कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। बलि महाराज तो जानते नहीं थे कि वामन देव है, सब कुछ छीन लेंगे। बलि महाराज ने कहा, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका सादर नमस्कार करते हैं, कृपया बतलाइए कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का साकार रूप मानते। अद्य न पितर तृप्ता अद्य न पावितव कुलम अद्य सुइष्ट क्रतु अयम यत भवान आगत ग्रहान। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं। बलि महाराज बोलते हैं, अतः मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए जिसके यहाँ भगवान पधारे हैं। हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया और हम जिस यज्ञ को कर रहे हैं वो आपकी उपस्थिति में पूरा। अद्यानगयो में शुहता यथा विधि द्विजात मज तत्चरण ने जने हतांश वार भी यम च भुवो तथा पुनीता तनु भी पदे तथा पुनीता तनु भी पदे। ए ब्राह्मण पुत्र, आज ये यज्ञ अग्नि शास्त्रों के आदेश के अनुसार प्रज्वलित हुई है और आपके पाद प्रक्षाली जल से मैं आपके अपने पाप कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो गया। हे स्वामी, आपके लघु चरणारविंद के स्पर्श से समग्र जगती तल पवित्र हो गया। यद्वा यत्यत् तत्वटोवान् शशि तत्प्रतिच्छत मे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गां काञ्चनं गुणवतधाम मृष्टं तथान्नपेयम् उत वा विप्रकन्या ग्रामान् समुद्धान्तुर्गान् गजान् वा रथान् तथार्थतमा सम्प्रतिच्छत। हे ब्राह्मण पुत्र, बलि महाराज बोलते हैं, हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं। बलि महाराज वामन देव को, अतः आप जो भी चाहें मुझसे मांग सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रेतिया, जो भी इच्छा हो मुझसे मांग ले। ओपन ऑफर दिया बलि महाराज ने, ओपन ऑफर दिया। आपको जो कुछ मांगना है मुझसे मांग लीजिए। मेरे को लगता है कि आप कुछ मांगने आए हैं, जो कुछ चाहिए। परम, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन थे, पत्नी के रूप में भ्रमण करने, समृद्धि गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो कुछ भी इच्छा मुझसे ले सकते। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत वामन अवतार भगवान वामन देव का यह अध्याय खत्म होता है। अब इसके बाद जो आता है, बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। अब क्योंकि बलि महाराज ने ऑफर दिया है कि आप कुछ भी मांग लो, अगले अध्याय में हम देखते हैं कि वामन देव जी बलि महाराज से क्या मांगते हैं। 19वें अध्याय, इस अध्याय 18वें अध्याय को यहीं पे विराम देते हैं। उसके बाद 19वां अध्याय कल की क्लास में करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों।